तो कल मेरी फ्लाइट है और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी फ्लाइट है कहाँ को, हाहा, सो ग्लैड यू एस्ट। मैं कल जा रहा हूँ नॉर्थ कैरोलिना में वली भाई के पास, यार वली भाई के पास आफ्टर 4 मंथ्स। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में छोटी सी अपडेट आई है, वो ये है कि मेरा चाय का कप ब्लैक से रेड हो गया। एंड लेट मी टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी टी का मजा अब दुबाला हो गया। पता क्यों? क्योंकि पहली बात तो उस पर मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है जैसे आप देख सकते हैं, दूसरा मेरा नाम है यहाँ पे। तो भैया जैसे आप देख सकते हैं सारा गंद मचा हुआ मेरी टेबल पे, सब कुछ है, ये सारा मैंने साफ करना है, पैक करना है। लेकिन थैंकफुली विंटर ब्रेक के लिए जब मैं जा रहा होता हूँ तो उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि मुझे अपना इस कमरे में मैं अपना सारा सामान छोड़ के जा सकता हूँ, मुझे यहाँ से कुछ उठा के नहीं जाना होता, बिकॉज आई विल बी बैक इन द सेम रूम। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट क्लीन द रूम। आज मैंने अपनी रूम की वापस करनी है, दूसरा मैंने अपना ऑब्वियसली सामान पैक करना है जो मैंने लेके जाना है, और बस। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास कपड़ों की तादाद कुछ ज्यादा ही है, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रही उसमें से कौन कौन से लेके जाऊं। मैं सोच रहा हूं जो जैकेट होगी उसमें से मैं ये लेके जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्थ कैरोलिना में ठंड तो है, एक ये वाली ले जाते हैं जो मैं हमेशा पहनता हूं। मैं इतनी पहनी कि यार अब ऑनेस्टली ये फट गई है, जैसे आप देख सकते हैं ये आहा मजा आ गया, लेकिन मैं फिर भी पहनता हूं क्योंकि ऑनेस्टली यार फटी हुई जैकेटों का भी आजकल फैशन है। हाँ भैया, तो पैकिंग हो गई है सारी, मैं बहुत लाइट पैक करता हूँ तो इतना मुझे टाइम नहीं लगा, और वैसे भी विंटर ब्रेक थी जैसे मैंने बात की, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान सारा छोड़ के जा सकता हूँ क्योंकि मैंने इसी कमरे में दोबारा वापस आना है। खैर अब मुझे ये चाबी वापस करानी है अपने कमरे की जैसे आप देख सकते हैं, और इसको वापस कराने के लिए मुझे नीचे जाना होगा, हेल्प डेस्क पे उनको देना होगा जो हमारे रेजिडेंट एसोसिएट्स होते हैं, और फिर उनसे वैक्यूम क्लीनर लूँगा मैं, और ये कमरे के थोड़ा सा वैक्यूम करते हैं, बड़े बिट्स एंड डस्ट नीचे ज़मीन पर मंडरा रहे होंगे। जो चाबी है वो कह रहे थे कि बाहर एनवेलप लगाओ तो उसमें डाल के चाबी इधर डाल के ऑफिस के अंदर छोड़ देनी है, तो मैंने कहा ठीक है, तो वो काम होगा कल। फिलहाल मैं वैक्यूम ले आया, वैक्यूम तो भी कमरे में जाके मारते हैं, थोड़ा सा साफ साफ करते हैं कमरे को। हाँ भैया, तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, अब मेरी फ्लाइट है थोड़ी देर में, और मेरा नीचे दोस्त एलेक्स आ गया, तो आप देख सकते हैं कितना सामान है इस वक्त मेरे पास, ये गिटार, ये बैग, ये मेरा सूटकेस, तो नीचे जाके उससे मिलते हैं। व्हाट अप डैम ब्रो, आई नीड योर हेल्प, होल्ड अप, कैन यू होल्ड माय कैमरा रियल क्विक? या You can then. I'm gonna put this in the front. Thank you, sir. nice job, bro. You got the shot. Yep. Oh yeah. So this is Alex again, Alex Mensel, from France, and he's gonna drop me to the airport today. तो अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं एयरपोर्ट भैया, 12:30 फ्लाइट है इस वक्त, 10:30 हो रहे हैं, और अभी एग्जाम दे के फारिग हुआ हूँ, तो लेट्स गो। सो वेट फॉर यू टू सी दैट वन। ओह या, सच अ गुड सिविलियन ब्रो, डजंट मूव हिज कार अंटिल द सीट बेल्ट इज ऑन। यू हैव टू, या तो यू व्हाट फॉर योर ओन सेफ्टी? ओह या, फॉर माय सेफ्टी। व्हाट आर यू, विन डीजल? तो अभी आपको एयरपोर्ट पे फिर जाके मिलते हैं, आप ये थोड़ा सा टाइम लैप्स चेक करें। हाँ भैया,
भैया मैं एलेक्स को छोड़ आया हूँ और क्या कहते हैं, अभी मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूँ तो अभी सिक्योरिटी से गुजरना है, उसके बाद मिलते हैं आपसे जाके। पहले से एयरपोर्ट में हम थोड़ा वेट कर रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा मैकडोनल्ड्स ले लें फिश फिले और साथ स्टारबक्स और साथ में 6 नगेट्स पकड़े। तो सीन ये कि अभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, हैवी किस्म की, मरने वाला था, तो मैंने कहा कुछ तो खाना पड़ेगा। खैर मिलते हैं आपसे अभी। हाँ भैया मैं ज़रा आ गया हूँ नॉर्थ कैरोलिना में और मैं घर पे भी पहुँच गया हूँ एक बड़े ख़ास बंदे के। हुआ ये था कि एयरपोर्ट पे जो था ना, क्या कहते हैं, मेरी जो बैटरी थी कैमरे की वो भी डेड हो गई थी, तो फ़ोन की भी कम थी, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सारी बातें हटा के साइड पर एक बड़े ख़ास बंदे से मिलाने वाला हूँ। बोली भाई, बोली भाई, ये ड्राई फ्रूट कैसे लग रहे हैं आपको? और जिंदाबाद पुत्र, मज़ा ही आ गया। तो नाज़रीन हम वली भाई के साथ दोबारा आ गए हैं वली भाई के नए अपार्टमेंट में। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अरसे बाद। आप लोग बड़े अरसे तक कहते थे कि वी मिस वली भाई इन द ब्लॉग, सो हियर्स वली भाई। हेलो एवरीवन। अच्छा तो ये वली भाई का नया अपार्टमेंट है, पिछला वाला था थोड़ा डिफरेंट था। ये वली भाई की क्लीन वर्क स्पेस है, जैसे आप देख सकते हैं इन डब्बों में वली भाई सोते हैं, तो यहाँ पे उठ के काम करते हैं सुबह। तो मैं होमलेस रहता हूँ। दिस इज द किचन और बहुत गंदा जोक मारा और बस